हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मोमिन मिश्री। और सुबह की शुरुआत हो चुकी है और आप सब लोग सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ जा रही हूँ। सो मैं अपनी फैमिली के साथ जा रही हूँ ऋषिकेश, और हम लोग सुबह 5 बजे निकल गए थे घर से। और ये नया एक्सप्रेसवे है जिसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा पहुँचने पे, और काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो रहा था। और यहाँ पे मिश्री सोई हुई है, और घर से ना मिश्री का ब्लैंकेट लेके आए हैं साथ में, जिससे कि उसको ठंड ना लगे। और अभी चलते चलते भूख लग गई है, तो अभी जहाँ पे रुकेंगे वहाँ खाएंगे। और हस्बैंड बता रहे थे कि यहाँ पे चीतल ग्रैंड करके एक रेस्टोरेंट पड़ता है जो काफ़ी फेमस है, तो देखते हैं कि कैसा रहता है वहाँ का ब्रेकफास्ट। और काफ़ी ठंडा होने लग गया था, तो मैंने अपनी जैकेट की हुडी निकाल ली ऊपर, और बस अपना सफ़र एंजॉय करते हुए आ रहे हैं। और यहाँ पे हम पहुँच गए हैं और हमने अपना ब्रेकफास्ट भी कर लिया है। और सच बताऊँ क्या, कि जितना सुना था ना चीतल ग्रैंड का, उतना ज़्यादा मुझे खास तो लगा नहीं। एक्सपेंसिव था बट टेस्ट वाइज एवरेज था। और मिश्री यहाँ पे खेल रही है, तो सारे लोगों को देख के एक्साइटेड हो रही है। और इस रेस्टोरेंट के बाहर फिश थी, ये जो वाइट वाली देख रहे हैं ना, इसको कोई फिश कहते हैं, तो जापान में इसको पालते हैं, लकी मानी जाती है काफ़ी। अब हम लोग जाने लगे हैं बाहर, और ये हरिद्वार आ गया है। और मुझे ऋषिकेश आना इसलिए पसंद है क्योंकि माउंटेन और रिवर एक साथ जहाँ पे देखने को मिल जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और जब भी हमारे घूमने का कुछ प्लान होता है ना, तो हम सोचते हैं चलो ऋषिकेश चलते हैं, क्योंकि दिल्ली से ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और मज़ा आता है। तो बस अब हम पहुँचने ही वाले हैं थोड़ी देर पे, और 5-5.5 घंटे में पहुँच गए थे। और ये संस्कृति होटल में रुके थे हम लोग, तो यहाँ से ऐसा व्यू है, ऊपर इनका रेस्टोरेंट है और नीचे रूम्स हैं, और ओनली 6 रूम्स ही हैं इनके पास, बट काफ़ी अच्छे हैं। हम लास्ट टाइम भी आए थे तो यहीं रुके थे, और देखिए कितना अच्छा व्यू दिख रहा है। और यहाँ पे मिश्री को मैं घुमा रही थी, तो व्यू काफ़ी अच्छा है, बहुत पीसफुल है। और यहाँ से नीचे देखें ना, तो एक छोटी सी मार्केट है जिसमें तरह तरह की चीज़ें मिलती हैं जिन्हें देख के लेने का मन करता है। और वो जो आप झूला देख रहे हैं वो राम झूला है, उसके आगे पड़ता है लक्ष्मण झूला। तो इस रूम में हम लोग रहे हैं, और ये मिश्री अपने रूम में बैठी हुई है, काफ़ी खुश है। और लास्ट टाइम हम इसी रूम में रहे थे तो वो पहचान गई, काफ़ी लगता है काफ़ी खुश थी। सो बहुत दिन हो गए थे, मतलब ऑलमोस्ट अब 8-10 महीने हो गए थे हम घूमने नहीं गए, तो थोड़ा चेंज भी चाहिए होता है, घर में रहते रहते बोर हो जाते हैं। और मिश्री यहाँ पे आके ऐसे खेलने लग गई थी। तो दिन में तो हमने पहुँच के रेस्ट किया, शाम को हम लोग ये शत्रुघ्न घाट पे चले गए थे, और यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा था, और यहाँ पे इतनी सारी गाय हैं। और पता है, थोड़ी देर के बाद जब मैं अकेले कुछ देने के लिए आई, तो मुझे यहाँ पे एक भी गाय नहीं दिखी, वरना तो यहाँ इतनी थी। अब वापस होटल जा रहे हैं। सो अभी बज गए हैं 10:30, और अब मैं सोने वाली हूँ, तो एक बार सो जाऊँगी, फिर 12 बजने से पहले उठ जाएंगे, क्योंकि केक मंगा के रखा है, और 12 बजे हमारी मिश्री केक कट करेगी। देखो कैसे बाल हो रहे मिश्री के। मिश्री को अच्छा लग रहा है यहाँ पे, और इतना थक गए ना आज। मिश्री कहाँ कहाँ घूमी? हाँ, मिश्री का तो हैप्पी बर्थडे है ना? ओ, बिल्ली बोली म्याऊ, मिश्री बोली हो। ऐसी हालत हो गई ना थक के। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, एंड
मिश्री सबको बाय कहती है जो भी मिलता है। देखिए कितनी प्यारी है मेरी, कितनी इंटेलिजेंट बेबी है मेरी। ओके बाय, मुझे बाय कर दो, बाय बाय, गुड नाइट।